अभी जो मैंने कच्चा साल किया वो 2021 का अमीर टोटल था, वो मैं क्वेश्चन अब कच्चा नंबर लगा मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत आसान है इसमें मैंने वो मिल लेवल है। अब देखो ये वन डेटा अगर आपको समझ आ जाए ना फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। कंसीडर स्टील पाइप ऑफ लेंथ 6 मीटर थोड़ा सा मैं पहले जनरल डायग्राम बना देता हूं। एक वो है पाइप है वो कह रहा है आप जहांगीर कह रहा है कि पाइप है दो ही कम अच्छा और लेंथ 6 मीटर स्टीम पाइप का 6 मीटर लेंथ 6 मीटर मतलब इस तरह जो बोर्ड से निकला है ये पाइप वो 6 मीटर है और इन रेडियस आर1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखो आर1 मुझे गिवन है कितना है 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा आराम से और 2 सेंटीमीटर और आर2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर R2 is equal to 2.4 cm 2.4 cm और next और KV1 is 17 watts इस पार्ट का की गई यहां पे तो हवा है ना कुछ भी हवा है फ्लूइड है वो गिवन अच्छा यहां पे मुझे T इनफाइनाइट और H चाहिए क्योंकि अंदर फ्लूइड है वो गिवन होगा एंड में लेकिन चलो यहां पे ये इसका K की वैल्यू हमें पता है और क्या 17 watt per meter kelvin 17 watt per meter kelvin हां स्टीम इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट एन एवरेज टेंपरेचर ऑफ 150 डिग्री अच्छा तो स्टीम इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है तो ये भी होने और एच भी इसका गिवन होगा तो टी इनफाइनाइट कितना है टी इनफाइनाइट 150 डिग्री सेंटीग्रेड और एच 70 वाट पर मीटर स्क्वायर के और पाइप कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऑन द आउटसाइड इज वेल अच्छा दूसरी बात अंदर तो फ्लो कर रहा है लिक्विड फ्लो हो रहा है लेकिन बात तो उस पाइप के बाहर एनवायरनमेंट होगा ना तो उसका भी मुझे टी इनफाइनाइट चाहिए सो इसलिए मैं लिखता हूं टी इनफाइनाइट अंदर वाला आई अंदर वाला नहीं है वो इनसाइड वाला और ये इनफाइनाइट या आउटसाइड वाला वो बोल रहा हूं तो ये भी क्यों होगा और कैसे आउटसाइड का भी क्यों होगा ये 12 वाट पर मीटर स्क्वायर के लिए 12 एच गया ने एच तो अच्छा टी ये 80 डिग्री सी एक अंदर का है और एक बाहर और यहाँ पे टी टू है तो टी टू गिवन ठीक है भाई देखो अगर ये गिवन होता अगर पेपर आ जाए जिसमें ये गिवन होता है तो एग्जैक्टली वही टर्मिनल वैल्यू हो चुकी होती है लेकिन फिर यहां पे भी आपने एक रेजिस्टेंस लगा रहा होगा कन्वेक्शन के लिए आपके जो के कन्वेक्शन आउटसाइड नहीं है गिवन नहीं है तो हम ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है तो टी2 हां टी2 कितना है 80 डिग्री 80 और तो रिक्वायर्ड है बताओ मिनट सर 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 अच्छा थोड़ा सा देखो टी2 ठीक है पार्ट से सभी दो पार्ट से लेंगे चलो अच्छा ए नंबर क्या है थर्मल सर्किट ड्रा थर्मल सर्किट एंड लेवल इट प्रॉपर्ली थोड़ा सा रखा वो एक बंदा ये करेगा कैलकुलेट दूसरा रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम स्टीम हां रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम स्टीम देखो मैंने पहले था मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जहां पे एनर्जी जनरेट ना हो ना सो हीट ट्रांसफर सेम रहता है सो चाहे आप अंदर निकालो यहां पे निकालो भाई कंटेनर एनवायरनमेंट गिवन नहीं है सो अब वो कह रहा है कि ये क्यों निकालो क्यों ठीक है तो कहां से निकालेंगे आप बात है और टेंपरेचर एट इन ऑफ द स्टीवन हां और एडमिट प्लेन एडमिट प्लेन ऑफ द पाइप टेंपरेचर इज द मिड प्लेन और टेंपरेचर डी नंबर मिड प्लेन है भाई डी नंबर में जोन है टेंपरेचर मिड प्लेन का क्या मतलब है ये है ना ये थिकनेस है ना तो इसका जो मिड वाला प्लेन है ये वाला या पे अब यहां पे जो है ना मुझे आर3 की जरूरत है आर3 किस तरह निकालेंगे चलो और ये कह रहा है कि अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी पाइप का अच्छा ये इतना बड़ा जरूरी है वो जो सबने वो दिया था ना एक एग्जांपल उसने कहा था कि आप एग्जांपल 3.6 सर कर ले तो उसने तो देखा है मिसार ने लेकिन आप लोग जो है ना ये अब ये प्रॉब्लम है ना अगर आपको समझ आ जाए मैं आपको डायरेक्टली मेरा रिजल्ट बताता हूं अब वो रिजल्ट किस तरह प्रूव होता है वो एग्जांपल 3.6 वो जो सर वाला ओके उसमें ये गिवन है लेकिन लेट मी एक्सप्लेन दिस हां ये कह रहा है कि इफ द इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी नोन मतलब ये गिवन है इज अप्लाइड ऑन द पाइप क्या अगर इसके ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया
इंसुलेशन चढ़ा दिया तो वुड दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज और द डिक्रीज इन हीट लॉस। वैसे इंसुलेशन फिर गई था कि ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया तो जो हीट लॉस है वो कम होगा, लेकिन जो सर ने क्लास में बताया था कि ऐसा भी केस आ जाता है कि आपने इंसुलेशन चढ़ा दिया और मजीद हीट लॉस को भी बढ़ा दिया, अनएक्सपेक्टेड केस। सो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो वो ये कह रहा है कि आपने इंसुलेशन चढ़ा दिया उसके ऊपर, सो उससे इंसुलेशन चढ़ा दिया तो उससे हीट लॉस में मजीद इजाफा हो गया, या आम कन्वेक्शन बाय इंस्पेक्शन वो कम होता है। सो ये बात मैंने आपको जो है ना बतानी है। सो डी पार्ट ये है। खास इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर और रिवर्स वो रिवर्स वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। अंदर वाला सर्कल ड्रा करना है वो लिखा हमने। अच्छा है ना, ये पॉइंट टी टू वाला पॉइंट है। या अगर टी इनफाइनाइट और एच गिवन होता ना, और ये भी देखो ये मैंने हटा दिया क्योंकि अंदर तो वो बाहर वाला तो गिवन नहीं है, सो बस किसी को याद है जिस तरह हीट ट्रांसफर अंदर से बाहर हो रही है, तो इस तरह अंदर से बाहर आएगी, ठीक है। सो ये हमारा थर्मल रिएक्शन, तो उसने कहा कि सब कुछ शो करो, लेवल करो इसे। मैंने लेवल भी किया, ये देखो, ये क्या प्रोपेशन का आप लिख सकते हो कि आर कंडक्टर और आर कन्वेक्शन, और कितनी वैल्यू है ये ऊपर मैंने लिखी है, और ये थोड़ा सा बनाना पड़ा कि सही आए। तो ये आपका थर्मल हीट ट्रांसफर डायरेक्शन, बहुत बड़ा टेम्परेचर है और बाहर जो है ना कोल्ड एनवायरनमेंट है, जाहिर बात है अंदर से बाहर हीट जाएगी ना, बाहर से तो अंदर नहीं आ सकती। सो ये जो है ना हीट ट्रांसफर का मुझे इस तरह पता चला। और अब डी नंबर पर ए तो कंप्लीट हो गया। चलो रेट ऑफ हीट लॉस, अगेन वही इक्वेशन है, रेट ऑफ हीट लॉस मेरे पास गिवन है, ठीक है, टी इनफाइनाइट भी मेरे पास गिवन है। सो टेम्परेचर से अब ये रेजिस्टेंस अगर गिवन हुए ना, तो ये तो फिर बच्चों वाला काम है। हाँ, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये सब कुछ गिवन है। सो हमने जो है ना डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे एरिया का आपने जो है ना ख्याल रखना है, तो एक डायरेक्टली तो गिवन नहीं है। सो एरिया क्या होता है, एरिया ये होता है ना कि कन्वेक्शन के थ्रू जो एरिया होता है ये इसका एरिया होता है ये वाला, लेकिन चूंकि ये पाइप इस तरह निकला है, सो आप इस तरह पाइप के अंदर देखो, सो जो भी इनर वाला एरिया नजर आ रही है ना वही एरिया आपने लगानी है। सो एरिया के कैलकुलेशन के लिए कौन सा फार्मूला है, लेट्स से ये 2 पाई आर एन ये है ना। सो ये देखो इसका सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम, तो सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर 1, ये आर 1 है, ठीक है, और इधर भी है, सो इधर भी है, तो एरिया जो है ना यहां से निकल आएगी, ठीक है। अब एरिया भी निकल आएगी, तो कोई कैलकुलेट कर सकते हो जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हो ठीक है, ठीक है, तो बी पार्ट भी हो गया। अब वो कह रहा है टेंपरेचर T1 निकालो, या ऑलरेडी पिछले प्रॉब्लम में मैंने एक्सप्लेन किया था T1 किस तरह निकालोगे, तो जाहिर बात है ये दो पॉइंट लो या ये दो पॉइंट लो, सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, ये लेता हूं। चलो T1 T2 T1 T2 डिवाइड बाय आर कंडक्टर, और ये नहीं लेता, इसमें ये कर ले लेना पर 2000, तो मैं ये लेता हूं, ये दो सो देखो अगेन मैंने इस सर्किट को जो है ना वो ब्रेकअप करना है, जिस तरह या फिर जो है ना मैंने टी इनफाइनाइट से टी इनफाइनाइट से मैंने स्टार्ट किया, देखो तो सबसे पहले तो मैं किधर आ गया, ये आर1 पे आ गया, और यहां पे कंप्रेसर कितना है T1 पे, और यहां पे कितना है इनफाइनाइट। अब वो कह रहा है कि मिड पे कैलकुलेट करो, तो जिस तरह मैंने पिछले प्रॉब्लम में कहा था कि वो दरमियान पे मांग रहा है, तो आपने
इसके लिए दो रेजिस्टेंस लगानी है, एक इस पोर्शन के लिए, एक इस पोर्शन के लिए। तो दो दो रेजिस्टेंस इस तरह लगाओगे, एक ये वाला हो गया और मिड प्लेन पे टेम्परेचर टीएम होगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर ये जो है ना आगे एक और रेजिस्टेंस इसके लिए लग गया और यहां पे जो है ना टी2 होगा। तो अब आपका फाइनल सर्किट ये उसमें कितने रेजिस्टेंस, दो उसमें टी है। लेकिन ये याद रखो कि अभी ये जो है ना एग्जैक्टली ये इक्वेशन नहीं रहेगा, इसके लिए आपने क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के लिए कौन सा वाला है, ये वाला। इसके लिए आपने लगाना है चलना का टी आर3 डिवाइडेड बाय आर1, R3 by R1 लगाने हैं, क्योंकि आपने वही टेम्परेचर लगाने जो कि उस सरफेस के क्रॉस हो रहे हो। तो यहां पे सरफेस में रहिए तो T3 by R1 और इसके लिए T2 by R3, समझ आ रहा है। तो ये और जो 25 के एल एल तो सेम रहता है, के भी सेम रहता है, सेम मटेरियल है। और इसके लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, ये वाला नेचर लॉग ऑफ R2 by R3, R2 ये याद रखो ठीक है कि R3 क्या है, ये लेस देन है R2 से और ग्रेटर देन है R1 से। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने R2 by R3 लिखा और 2 by KL ये भी नॉन है, ये भी नॉन है 1 by HA। तो इससे TM निकालना बड़ी बात तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यों भी हमने क्यों है। तो ये चीज निकालो, अब आप क्या कर लीजिए, ये दोनों पोर्शन लेते हो, ये लेते हो, ये लेते हो, जो भी लेते हो अपनी मर्जी है। लेट इज इक्वल टू व्हाट क्यों, तो इससे आप मेरा TM निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास R3 ये जो कि मिड प्लेन है ना, मिड प्लेन है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, R3 माइनस R1 is equal to, ये distance कितना है, R2 minus R3। So इसे R3 इस side ले क्या हो गया, so 2 R3 और R2 plus R1 और इस तरह R3 is equal to R1 plus R2 divided by 2। So यहाँ से आपके पास आंसर है। जो radius ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा होगा, ऊपर, ठीक है? So ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसमें सारा data जो होगी मने, तो इसे आप PM निकाल सकते हो। अब D part की तरफ आते हैं। k do h pe divide karo kya 17 divided by h se ho raha hai 0.01 yaar ye yaad rakho kyunki critical length mein hamesha insulation ke sath data related hai so ye jo k kya lagana hai ye usi insulation ka lagana hai jiske upar जो इंसुलेशन आपने इस पाइप के ऊपर लगाया है, तो क्या इंसुलेशन डिवाइड कर लिया ठीक है, क्या इंसुलेशन की वैल्यू जल्दी जल्दी दो 0.01 एक तो एक ही अच्छे ना 17 बाय 5 बाय 1 अच्छा दूसरी बात ये जो h होता है ना ये आउटसाइड वाला है होता है ठीक है ये भी याद रखो एच जो है ना वो आउटसाइड वाला होता है और ये जो k है ना ये भी इंसुलेशन का होता है लेकिन यहां पे जो k क्वेश्चन में तो आउटसाइड का h नहीं गिवन है ना गिवन है गिवन है देखो गिवन डेटा हमने नहीं दिया है ना आउटसाइड तभी तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है सो 12 वाट पर मीटर स्क्वायर अब ये करो ठीक है के इंसुलेशन वाला और एच आउटसाइड वाला क्या हो क्या आ रहा है 1 मिलीमीटर अब इसका मतलब क्या है ये याद रखो कि जब आपका आर लेंथ जब क्रिटिकल लेंथ से कम होता है तो इसके लिए याद रखो ना ये वो केस है जो कि अनएक्सपेक्टेड वाला केस है कि जितना आप इंसुलेशन चढ़ाते जाओ उतना जो है ना टर्मिनल कंडक्टिविटी मजीद इंक्रीज होगी इसीलिए आपने कभी भी जो है ना अपना आर आर क्रिटिकल से कम नहीं रखना है जब आपने इंसुलेशन अब देखो लेट से ये टर्मिनल वो है अब ये डिस्टेंस मेरे पास है 0.8 मिलीमीटर लेट से अब इसके ऊपर अगर मैंने इंसुलेशन चढ़ाना शुरू कर दिया सो 0.2 इंसुलेशन तक जो है ना ये क्या करेगा क्रिटिकल वैल्यू 1 है ये आप चाहो ना ये उल्टा नुकसान दे रहा है हमें उल्टा नुकसान क्या अगर इसके बगैर है ना हीट ट्रांसफर 80 हो रहा है तो ये इंसुलेशन आपने लगा दिया तो फिर 100 होगा सो दिस इज द अनएक्सपेक्टेड केस सो इससे हमने अपने आप को बचाना है ठीक है इससे हमने अपने आप को बचाना है तो आपने यहां पे पूरा डिटेल लिखना है इस क्वेश्चन सी पार्ट में डी पार्ट में सब को कि चूंकि हमारा क्रिटिकल जो है ना वो 1 mm से कम आ रहा है और ये फाइनल रेडियस कितना है 2.4 mm सो इसी तरह आप सबको कहो कि जितना इंसुलेशन चढ़ाते जाओ आपका टर्म आपकी जो हीट ट्रांसफर है वो कम होती जाएगी वी आर इन द सेफ जोन बिकॉज और आउटर रेडियस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल अगर ये ग्रेटर ना होता इसी तरह कम होता सो क्रिटिकल तक जाने के लिए जितना भी इंसुलेशन आपने लगा लिया वो आपका नुकसान है वो आपका नुकसान है सो अभी जो है हमारे पास क्योंकि ग्रेटर है तो आप ये लिख लो कि आर आउटसाइड इज ग्रेटर देन आर क्रिटिकल हेंस
by increasing area of electrolytic chalan by increasing the insulation heat of loss will be reduced so अब foundation नहीं है जितना insulation चढ़ा देता हूँ उतना ही होगा ये अगर RCD का ज़्यादा होता है then अभी क्या है अभी क्या है तो ये पर ये मैंने आपको बता दिया ना failure से करिए 0.8 होता so 1 millimeter तक RCD का तक आपने insulation चढ़ाया RCD का तक तो उसका उल्टा नुकसान होगा क्या लेट से पहले जो है ना 80 एनर्जी जा रही थी फिर 100 जाएगी मतलब आपके इंसुलेशन यहाँ के लिए उसका नुकसान कर देगा तो इसे बेहतर है कि बिल्कुल लगाओ ही ना ठीक है अगर ये फिर कम आता है तो फिर हम अपने एक्चुअल केस में जो कि इंस्पेक्शन से पता चलता है ये वो ना ये एग्जाम्पल देना इसका एक आपका प्रूफ है